बनाई रखिएगा। लेकिन एक खबर हम आपको बताते हैं जो पांचवी के पंच पे कल हमने आपको दिखाई थी, हंदवाड़ा की खबर थी, जब आपने मातम का माहौल देखा था क्योंकि पंजाब के अंदर एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल यह हत्या है या क्या है अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। फिलहाल कश्मीरी युवक की हत्या का मामला है, अब तक हंदवाड़ा शव नहीं पहुंचा है। आपको जानकारी दे रहे हैं, लोगों ने शव को कश्मीर लाने की मांग की है। फिलहाल परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन अभी ये कहा जाता है कि पंजाब के अंदर उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ जिसकी मौत हुई है। फिलहाल ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि शव का इंतजार परिवार वाले कर रहे हैं। कल पांच के पंच में ही हमने आपको खबर दिखाई थी, उन तस्वीरों को दिखाया था जब एक परिवार का सदस्य पंजाब के अंदर खबर मिलती है कि उसकी मौत हो जाती है। किस कारण उसकी मौत होती है इसका अभी कोई पता नहीं लग पाया है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। लेकिन लोग क्या कुछ कहते हैं आपको फटाफट से सुनवा देते हैं, उसके बाद शमीम के पास चलेंगे। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं क्योंकि लोगों को सुनवाना जरूरी है। लोग क्या कुछ कहते हैं आज भी आपको सुनवाते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त भी हमारे संवाददाता, उसके पास सीधे शमीम के पास चलते हैं, सुनाइएगा जरा। हमारे गाँव के तकरीबन 40-50 आदमी जो है जो शाल बेचने के लिए वहाँ गए हैं, और बहुत से ऐसे लड़के भी हैं जो वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए गए हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो भी पंजाब के सिख लोग जो कारपेंटर हैं, मैसन हैं, या जो बिहारी वगैरह यहाँ आते हैं, हम उनके साथ बड़ी हमदर्दी के साथ उनको बगैर मजहब मिलत अपने घरों में खाना भी खिलाते हैं, लेकिन हमारे इन मजदूरों के साथ इस तरह का सलूक क्यों होता है? इसलिए हमें ये बड़ी अफसोस की बात है। ये इस पर हमारा सब पूरा जो इलाका है इस वक्त इसको बहुत दुख है इस बात के लिए। तो हमें ये इस बात के लिए आप पंजाब गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि इस डेड बॉडी को जो हमें सवेरे पता लगा है, पूरा इलाका जो है इस इंतजार में है, उसको एयर लिफ्ट करके यहाँ पर उस डेड बॉडी को भेजा जाए। और जो बाकी हमारे वहाँ पर लोग हैं जो शाल बेच रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनके माँ बाप को काफी परेशानी है, उनकी हिफाजत के लिए एकदम उठाए। तो इस बारे में बाकी हमें यही दुख है कि हमारे इन मजदूरों के साथ जो ये मुश्ताक अहमद मीर है, ये अपने घर का वाहिद अकलौता एक जो कमाई करने वाला है, इसका बाप भी कई साल पहले मर गया है, इसकी माँ बेवा है, इसकी बहन एक हैंडीकेप्ड है, अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये मजदूर वहाँ पर गया, वहाँ पर अपनी मजदूरी के लिए गया, लेकिन इसको इस तरह बेदर्द से कत्ल किया गया है। तो ये हमें इस बात का बहुत अफसोस है, बिल्कुल सेफ नहीं है। जो बाहर जाते हैं हमें आए दिन बहुत खबरें मिलती हैं, कभी स्टूडेंट के सर मारपीट होती है, कभी जो मजदूरों को मारपीट करते हैं, कभी मजदूरों को लूट मार किया जाता है, अब लूट के अलावा इनको कत्ल भी किया गया है। जो ये वाकया हुआ ये बिल्कुल जानबूझकर साजिश के तहत कत्ल किया गया है। इस सिलसिले में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील कर रहे हैं कि हमारे इन जो तालाब हैं, जो जो वहाँ पर पढ़ते हैं लड़के या जो मजदूर हैं, इनकी हिफाजत के लिए इकदाम उठाएं। बाकी हमें इस बात का बहुत ही दुख है कि इनको वहाँ पर वो ये हिफाजत से नहीं है। इस वक्त तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं कि वहाँ की पुलिस ने हमें बेशक ये यकीन दहानी किया है कि इसमें हमने FIR वगैरह दर्ज किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त तक भी उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया है, ना ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। अब वहाँ पे जो पंजाब पुलिस या जो पंजाब गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, लेकिन इससे लगता है कि वो कश्मीरियों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। अब उसको ना पोस्टमार्टम किया है, ना ही उसकी जो डेड बॉडी है यहाँ के लिए रवाना की है। हमारी अब यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि वो उसको एयरलिफ्ट करके कल सवेरे से सवेरे यहाँ भेजें, ताकि यहाँ के जो भी लोग या जो भी उसके अपना फैमिली है वो उनका बुरा हाल हो गया है रो रो के, तो उसको यहाँ पर जल्द से जल्द एयरलिफ्ट किया जाए। असल में ये चीज़ है कि जो कत्ल अमद होता है, जो जानबूझकर कत्ल किया जाता है, उन मुलजिमों को भी सुना क्या कुछ लोग कह रहे हैं, हम आपको लोगों को सुनवा रहे थे। लेकिन शमीम हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शमीम, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है इसलिए कहना वाजिब नहीं होगा कि मर्डर है, क्या कुछ है पंजाब पुलिस की तरफ से जब तक ये जानकारी नहीं दे दी जाएगी। क्या परिवार कह रहा है, परिवार को क्या आस है, क्योंकि आज दूसरा दिन है, कल पांच के पंच के प्रोग्राम में आप ही जानकारी दे रहे थे और आज भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, कब तक शव आने की उम्मीद है, क्या कुछ बातचीत परिवार वालों की पंजाब पुलिस से हो रही है? शमी शमीम जी 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 आर्य साहब को मैं बताता चलो, सराजी जिला कपारा के ये सिराजपुर हंदवाड़ा का इलाका है। एक शख्स जो है मुश्ताक अहमद मीर सन आप
हबीबुल अमीर जो हंदवाड़ा के सिराजपुरा रहने वाला है, ये जो है 3 महीने के लिए यहाँ पे अपने सिलसिले जो है अपने जो है पंजाब जाते हैं और 3 महीने के लिए वहाँ पे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अब ये उसका घर आने का टाइम था। कल जो ये खबर जो है कल शाम को जब ये इलाके में पहुंच गई ये खबर, तो उसकी वहाँ पे मौत हो गई है। जब वहाँ के पुलिस के साथ हमें वार्ता हुआ, उन्हें साफ तरीके पर उसको जदकोप किया गया है, उसके बाद जो है उसको फांसी दी गई है, उसके बाद उसको एक बोरी में पैक करता है, उसके बाद जो है किसी जो है नाले में उसको फेंकता है। आज जो है पंजाब पुलिस जो फिरोजपुर पुलिस जो है आज उनकी बरवकत कार्रवाई के दौरान 2 शख्स को फिलहाल तौर गिरफ्तार किया गया है। अभी तक उसकी डेड बॉडी जो यहाँ तक यहाँ अभी नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि कल 8 बजे तक उसकी बॉडी जो है यहाँ तक पहुंचेंगे। अगले इस मुश्ताक अहमद की बात करेंगे, ये घर में एक वाहिद कमाने वाला था शख्स, इस घर का एक वाहिद चिराग था। वो कल जब इलाके में ये खबर फैल गई तब वो यहाँ पे तमाम लोगों की आंखें नम होंगी। लोग परेशान हुए कि इस तरह की जब आप यहाँ के लोगों के जो कश्मीरी लड़के जो क्या पढ़ाई के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में जब पंजाब या दिल्ली बाकी स्टेट में जाता है, आप दूरी जाहिर सी बात है जब इलाके में ऐसी खबर फैलती है तो लोग जाहिर से परेशान होते हैं। और लोगों को कल से जो है जिनकी बच्चे वहाँ पे पढ़ाई के सिलसिले में गए हैं, तो जाहिर सी बात है जब ऐसे जो है वहाँ के जो एक गरीब शख्स जो है 3 महीने के लिए जो है जो शाल भेजने के लिए पंजाब जाते हैं, तो पंजाब में ये हादसा जो पेश हुआ है, कल जो है वहाँ पे भी जो कश्मीरी लोग हैं वहाँ पे उन्होंने जबरदस्त प्रोटेस्ट भी किया है। अब सब तो जो है वहाँ के जो पुलिस का कहना है कि 2 शख्स फिलहाल तो गिरफ्तार किए गए हैं। जी हरेश, ठीक है शमीम, लेकिन परिवार वाले सीधा संपर्क बनाए हुए हैं पंजाब पुलिस से, तो क्या वाकई देखने को मिलेगा कि कल सुबह तक शव आ जाएगा, क्योंकि अपने परिजन के शव का इंतजार दरअसल कर रहे हैं परिजन जिनकी मौत हुई है और अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। फिलहाल क्या कुछ पंजाब पुलिस भी कह रही है, अगर बातचीत आपकी परिवार वाले से हुई हो और परिवार क्या कुछ कह रहा है? जी अरे, जब मैंने कल भी मैंने वहाँ जो जो सिराजपुर हंदवाड़ा का इलाका है, खुद भी मैं वहाँ पे गया और लोगों के साथ बात किया, और इस घर का वाहिद कमाने वाला था मुश्ताक अहमद, ये 3 महीने के लिए जो है पंजाब फिर वहाँ पे शाल का इनका बिजनेस था। अब उनको 5-6 दिन के अंदर उसको घर आना था। जब ये एक घर में अंदर के गए तो जो है अपने पैसे जो उन्होंने वहाँ पे माल उधूरा छोड़ा था वो पैसे लेने के लिए गए था। 3 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, उसके बाद जब 9 बजे ये पता चलता है कि उसके जो जब फोन ट्रेस किए गए हैं एक घर में उसका जो फोन पाया गया है, और इसका एक साइकिल जो इसको पहले इसको माल है उसके बाद जब्त किया गया है, उसके बाद इसको एक बोरी में पैक करते हैं। फिलहाल तो एक जमीन के बिल्कुल, चलिए तमाम ये बातें इस वक्त परिवार वाले कह रहे हैं जो पुलिस से बातचीत हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शव जल्द से जल्द आ सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शमीम, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट।